मेरा नाम सुरेंद्र सिंह भदौरिया है। जय भीम जय बुद्धाय नमः। सबसे पहले हम लोग जानना ही चाहेंगे स्तूप होते क्या है। देखिए सर, स्तूप मीन्स होती है समाधि, और समाधि जो होता है वो सोलिड होता है, पेक होता है। अब मैं थोड़ा सा बनाने कल्चर आपको समझा दूँ, हर धर्म में अलग अलग होता है। जैसे कि आप देखते हो कि इस्लाम धर्म में कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है, बॉडी को दफना के प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जैसे कि अपना दिल्ली का हुमायूं का मकबरा है, ताजमहल। हिंदू धर्म में क्या करते हैं, शरीर को जला के अष्टांग नदी में छोड़ देते हैं, फिर प्लेटफॉर्म बनाते हैं राजघाट महात्मा गांधी की समाधि। और अपने रिलीजन में क्या होता है, शरीर को जलाएंगे परंतु उनके बोन्स को, अस्थियों को रिवर्स में नदी में नहीं छोड़ा जाता, उनको रखकर स्तूप तैयार किया जाता। तो तथागत बुद्ध और अशोक में भी 200 साल का अंतर है, 200 ईयर्स का। बुद्ध जी तो हुए थे 500 BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा से 500 ईयर्स पहले, और अशोक जी हुए थे 300 BC ईसा से 300 ईयर्स पहले। कितना डिफरेंस आया, 200 ईयर्स का। तथागत बुद्ध सांची कभी नहीं आए, जो बनवाया सम्राट अशोक ने। बुद्ध जी का जन्म स्थल है लुम्बिनी फॉरेस्ट। नॉलेज हुआ, ज्ञान हुआ, बोध गया, पहला उपदेश दिया सारनाथ। बुद्ध का परिनिर्माण हुआ था कुशीनगर कसिया गांव के अंदर, आज कुशीनगर हो गया। बुद्ध का परिनिर्माण हुआ, उनके शरीर को जलाया गया, उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और 8 स्तूप बनाए गए, और उसमें बुद्ध की अस्थियों को बंद किया। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। बुद्ध के 200 ईयर्स बाद 300 BC ईयर्स पहले कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग वार हुआ था उड़ीसा के अंदर, और कलिंग के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया, अपनाया था। सर्वप्रथम अशोका ने वो 8 स्तूप खुलवा दिए, ओपन करा दिए, और जितनी तथागत बुद्ध की अस्थियां थी, मिट्टी थी, राख थी, जो मटेरियल था, सब बाहर निकाला, कलेक्ट किया अशोका ने। उनको अशोक ने डिवाइडेड किया, बांटा था 84,000। क्यों? क्योंकि बुद्ध जी को उपदेश भी 84,000 है। 84,000 स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया एशिया महाद्वीप के अंदर, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, कोरिया, थाई, कंबोडिया, जापान, श्रीलंका, और प्रत्येक स्तूप बुद्ध जी की अस्थियों को मिट्टी को डालकर उसको बंद किया, केवल धर्म प्रचार के लिए, रिलीजन के लिए। स्तूप बंद के अंदर भी तथागत बुद्ध का बॉडी का एक स्मॉल पार्ट से, छोटा सा अस्थि का पीस से, बुद्ध का दंत धातु श्रीलंका कैंडी में रखा हुआ है। बाकी अस्थि हमारे देश के अंदर जैसे कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ, राजगीर, वैशाली, अमरावती 2 जिले हैं हमारे, 2 डिस्ट्रिक्ट, एक है महाराष्ट्र और एक है आंध्र प्रदेश, आंध्रा अमरावती, जो कैपिटल राजधानी बन गया आंध्रा का। परंतु 84,000 में पहला स्तूप अशोक ने सांची बनाया। क्यों बनवाया? क्योंकि अशोक, क्योंकि उस टाइम हमारा जो एशिया महाद्वीप था 16 महाजनपद में डिवाइडेड था, 16 महाजनपद स्टेट नहीं थे अपने, बिग महाजनपद आता है अवंतिका, अवंतिका मीन्स उज्जैन। उस टाइम विदिशा यहाँ से ओनली 5 किलोमीटर, विदिशा का प्राचीन नेम है बैस नगर, और बैस होता है बिजनेस सेंटर, बनियों की नगरी। अशोक को उसके फादर, उसके पिता बिंदुसार ने 5 ईयर गवर्नर बना के भेजा अवंतिका का। प्राचीन रूट था पाटलिपुत्र से अवंतिका, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, बैस नगर, सांची, अवंतिका जाने का। उसी पीरियड में अशोक ने शादी किया, मैरिज किया था बैस नगर के बिजनेस मैन की डॉटर से, बेटी से, जिसका नेम था विदुषी देवी, और विदुषी सुगर डिस्ट्रिक्ट विदिशा ये बौद्ध धर्म मानती थी। उनका बेटे और बेटी हुए थे महेंद्र संघमित्रा, जो सांची से बौद्धिज्म को लेके फर्स्ट टाइम श्रीलंका गए धर्म प्रचार को। संघमित्रा बोधि ट्री की ब्रांच ले गई अपने साथ बौद्ध गया से श्रीलंका, अनुराधापुरम उसको प्लांट किया, इसलिए अशोक ने पहला स्तूप सांची तैयार किया। सर जी, स्तूप नंबर 1 को देखने से पहले हम आपको स्तूप नंबर 3 की हिस्ट्री बताएंगे। ये स्तूप नंबर 3 है, ये 200 BC का 2200 साल प्राचीन है। ये टूट गया, गिर गया, बिखर गया था, इसको रिस्टोर कराया सर जॉन मार्शल 1912 में, परंतु इसका खुदाई किया था लॉर्ड कलिंगम ने 1851 में। क्या मिला कलिंगम को इसके अंदर से? एक कोस्केट का बॉक्स मिला था, चंदन की लकड़ी का, उसके अंदर से तथागत बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य, 2 फेमस डिसाइपल सारिपुत्र महा अस्थियां प्राप्त किया। परंतु नेम कैसे पहचाने गए? बॉक्स के ऊपर एक और स्टोन का पीस ऊपर से कवर तक ढका हुआ था, 2 पीस नीचे संग्रहालय में रखे हैं। उस टाइम लैंग्वेज थी, भाषा थी हमारी पाली, और लिपि थी ब्राह्मी। एक स्टोन पर लिखा है पाली में सारिपुत्र, और एक पर लिखा है मोद गलैना। उनसे नेम को पहचाने गए, उनको ले गए ब्रिटिशर इंग्लैंड 1952। पहले प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू ने उनको वापस की, फर्स्ट टाइम नेहरू सांची आए थे 30 नवम्बर 1952। 30 नवम्बर 1952 वो चैत्यगिरी बिहार जो बाहर बना श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी का, उसका ओपनिंग किया, और जो बोन्स अस्थियां जो रिटर्न कराई वो चैत्यगिरी बिहार को डोनेट कर दी, दान में दे दी। जिन अस्थियों को ओनली 1 डे को डिस्प्ले किया जाता, ओनली 1 डे, एवरी ईयर ओनली 1 डे, डे फिक्स है सर, डेट से कोई मतलब नहीं। डे होता है नवंबर का लास्ट वीक का लास्ट संडे, लास्ट संडे ऑफ नवंबर को 1 डे के लिए बोन्स को, अस्थियों को चैत्या के अंदर बुद्ध जी का स्टेचू उसके नीचे अंडरग्राउंड रूम है, उससे उनको अस्थियों को डिस्प्ले कर बुद्ध के स्टेचू के सामने रखते हैं प्रेयर के लिए। टूरिस्ट होता है 1 लाख, कोई टिकट एंट्री फीस नहीं। उसके अंदर
बुद्ध का स्टेचू है, और ये गोल्ड का कलश है, ये दो गिलास हैं जिसमें सारिपुत्र और मोहद गिलाने की अस्थियाँ रखी हुई हैं। लास्ट संडे ऑफ नवंबर क्यों फिक्स? 30 नवंबर 1952 लास्ट संडे का डे था, नेहरू टेम्पल ओपनिंग किया, बोन डोनेट क्यों? लास्ट संडे ऑफ नवंबर था, इसलिए लास्ट संडे ऑफ नवंबर फिक्स है। उसी डे नेहरू जी बोधिक ट्री की ब्रांच लाए थे, अभी आप लोगों ने गेट से एंट्री किया, गेट के बार एक पीपल का ट्री लगाए ना अपना, बोधिक ट्री की ब्रांच है। और लास्ट संडे ऑफ नवंबर को टिकट का कोई भी फीस नहीं होता, फ्री एंड कॉस्ट। इंडिया के किसी भी कोने से सांची आने के लिए ट्रेन भी फ्री एंड कॉस्ट होती है, 15 ट्रेन की स्टॉपेज देती है भारत सरकार सांची के लिए, ओनली वन डे के लिए। बहुत बढ़िया, वापस आते हैं हम सांची की तरफ। कौन सा वन डे भी हो गया? लास्ट संडे ऑफ नवंबर, परंतु उसको दो डे टू डे कर दिया, पब्लिक को डिवाइडेड कर दिया, लास्ट सैटरडे ऑफ नवंबर और लास्ट संडे ऑफ नवंबर कर दिया, पर टिकट लास्ट संडे ऑफ नवंबर का ही फ्री होगा, सैटरडे का नहीं। कभी सांची आना है दर्शन करने तो संडे मत आना सर जी, मेरी राय है सैटरडे को आ जाना, पब्लिक नहीं मिलेगी, अस्थियों के दर्शन बड़े आराम से हो जाएंगे। संडे को आओगे क्राउड इतना होगा आप देख ही नहीं पाएंगे अस्थियाँ हैं कहाँ। अब आते हैं तुम बन की साइड। सर इसका निर्माण किया था सम्राट अशोक ने ईसा से 300 वर्ष पहले, 300 BC पहले अशोक जी ने स्तूप बनाया था। वो ओरिजिनल स्तूपा है टेरा कोटा ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंट का बना हुआ, अशोक जी ने तैयार किया 300 BC में, 2300 ईयर्स पहले। ओरिजिनल स्तूपा है टेरा कोटा ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंट का बना हुआ, वो इसकी इनसाइड अंदर साइड है, ये अपन को बाहर से आउटसाइड से दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अशोक के 100 ईयर्स बाद अदर डायनेस्टी आया, सुंग पीरियड आया था, और सुंगा पीरियड में राजा थे पुष्यमित्र सुंग, कितना अपोजिट था बोधिजम का। क्या बोलता था? एक मॉन्क्स का हेड ले आओ, 100 गोल्ड का करेंसी दूंगा। सर ये कोई गारंटी नहीं है कि पिता अच्छा तो बेटा अच्छा निकलेगा, और बेटा अच्छा है तो पिता अच्छा हो, ये कोई गारंटी नहीं होती। परंतु उसका बेटा हुआ था अग्निमित्र सुंग, सारे रिलीजन का सम्मान करता था वो, उसने जो कोई इसको स्टोन से कवर्ट किया, ये प्लास्टर कराया, ऊपर 3 छत्र लगाए, ऊपर का रेलिंग बाउंड्री का निर्माण किया जिनको हर्मिका कहते हैं, ये दोनों रेलिंग बाउंड्री का निर्माण किया जिनको वेदिकाएँ कहते हैं। ये सेकेंड 100 BC 2200 साल प्राचीन है, परंतु हाँ जी परंतु इसका काफ़ी प्लास्टर डैमेज हो चुका है। कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? 300 BC से 12th century AD टाइम पीरियड होता है सर 1500 ईयर्स, 1500 वर्ष। सांची के अंदर बिग एजुकेशन सेंटर चला अपना बौद्ध धर्म, और 1200 AD से 1818 500 ईयर्स पूरा फॉरेस्ट में जंगल में चला गया, कवर्ड हो गया। ये कौन सा पीरियड है? मुगल ऑरेंज जेब से बच गया फॉरेस्ट होने के कारण। इसको डिस्कवर किया कैप्टन मार्क टेलर साहब ने, जो अंग्रेज थे ब्रिटिशर थे, 1818 में जाकर। और टेलर साहब भी स्तूप को डिस्कवर करने नहीं, हंटिंग करते पहुंचे, उन्हें देखा इसमें डोम है तो गोल्ड होना चाहिए। क्या कर दिया उसने? ये नॉर्दर्न गेट और वेस्टर्न गेट है, वेस्टर्न से लेकर साउथ का पूरा पोर्शन स्तूप का डिग कर दिया, तोड़ दिया। डिगिंग करते अंदर के देखा सेंट है, स्टोन के पीसेस है, छोड़ के चला गया। उस टाइम दो गेट बेस्ट और साउथ गिर के डैमेज हो गए। अब आए सर जॉन मार्शल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, 1912 से 1928 ईयर स्टे किया साउथ और वेस्टर्न गेट को रिस्टोर कराया, उसमें कुछ प्लेन स्टोन यूज किए, ओरिजिनल पार्ट्स नहीं रिस्टोर्ड है। जो ओरिजिनल प्लास्टर है मटेरियल कौन सा यूज किया उस टाइम? खाने की दाल है ये अपनी, जैसे उड़द है, मूंग है, मसूर है, मेथी है, उसका जूस निकाल लो। ब्रिक, ब्रिक का पाउडर, उसको सुर्की कहा जाता है, दाल का जूस मिक्स करो, मिक्स करेंगे लाइम चूना, खाने का गुड़, भिंडी का पानी, जो हिंदू धर्म में आप देखते हैं शिव जी को बेल चढ़ाते हैं ना, उसका फल होता है एक, उसमें गम निकलती है उसमें, इनको मिक्स किया और प्लास्टर किया। सेम मटेरियल प्रेजेंट टाइम आर्कियोलॉजिकल यूज करती है, मालूम रिपेयरिंग से मेरे इस्तेमाल नहीं करते। अशोका 200 ईयर्स बाद अदर डायनेस्टी आया, 100 BC 2100 ईयर्स पहले सातवाहन आ गए, और सातवाहना पीरियड में किंग थे, रूलर थे, गौतमी पुत्र सत्यकर्णी जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले, उन्होंने गेटों का निर्माण किया। 4 गेट 4 डायरेक्शन अशोक के 200 साल बाद के गेट है, 2100 साल प्राचीन। इसलिए गेट का और रेलिंग का जो स्टोन है यूज किया, रेलिंग और गेट पर जो स्टोन इस्तेमाल किया गया है, ये है सेंट स्टोन रेतीला पत्थर। और सेंट स्टोन पर कार्बिन को बनाना 2100 साल पहले कितना डिफिकल्ट काम होना चाहिए। आर्टिस्ट पर डिजाइन नहीं थे, मैप नहीं था,
केवल आर्टिस्ट को आपने तथागत बुद्ध के जीवन की लाइफ की जातक स्टोरी जातक कथाएं जातक का टेल्स बताया। कितना आर्टिस्ट ने काम किया होगा, सबका माइंड एक साथ चलना। और यह आर्टिस्ट विदिशा के आइवरी गोल्ड हाथी दंत आर्टिस्ट थे, सोने पे काम करने वाले हाथी दांत पे काम करने वाले लोग थे। परंतु इन स्टोरी में हमको कहीं भी बुद्ध जी का स्टेचू मूर्ति देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उस टाइम टू सेक्टर थे, महायान पीरियड और हिंयान पीरियड। महायान वाले तो स्टेचू को लाइक करते वर्शिप करते और हिंयान वाले नहीं। गेट बनाया हमारा 100 BC 2100 साल प्राचीन 2000 ओल्ड, जब स्टेचू वर्शिप नहीं थी हमारे किसी भी रिलीजन के अंदर। मूर्ति पूजा स्टार्ट हुआ है 100 AD कनिष्का 2000 साल से। किसी ने बुद्ध को नहीं देखा, महावीर को नहीं देखा, राम को नहीं, कृष्ण को, सारी मूर्ति कल्पना से बनाई। अब बुद्ध को कैसे पहचानोगे सर? सिंबोलाइज बुद्ध देखेंगे प्रतीयात्मक रूप में। बौद्धिक ट्री, जिसके बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गए, पीपल का ट्री। अम्ब्रेला, रोल फैमिली अम्ब्रेला छत्र होता है। तीसरा सिंबल ये स्टोन का पीस, इसको प्लेटफार्म कहते हैं। क्यों? हम भी घर में वंदना करते हैं तो नीचे आसनी बिछा के बैठते हैं, तभी तो वंदना करते हैं ना आसनी पे। बुद्ध जी ने भी तो फॉरेस्ट में ट्री के नीचे स्टोन पर बैठकर प्रेयर किया था, उसको प्लेटफार्म कहा गया। लास्ट सिंबल छोटा सा स्तूप का डिजाइन बना है, मॉडल स्तूप का मतलब बुद्ध है, इसके बुद्ध जी की अस्थियां हैं। तो स्टार्टिंग इसी गेट से लेंगे अपन। यही गेटों की कार्बिन की बेस पर यूनेस्को ने सांची को 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर में डिक्लेयर किया। इतनी ओल्ड कार्बिन पूरे वर्ल्ड में नहीं, ओनली सांची छोड़कर। यही गेट की बेस पर रिजर्व कुछ नई करेंसी चलाया, कौन सा नोट इसमें सांची का 200 पर सांची है। क्यों लिया 200 पर सांची? 1818 डिस्कवर मालूमेंट, 2018 एंड हो गया था, 200 ईयर डिस्कवर, 200 पर सांची लिया। 2000 मंगलयान इनसेट है, आपने अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। 500 करेंसी दिल्ली का लाल किला रेड फोर्ट है, उसको बने 500 उस टाइम हो चुका था। 100 की करेंसी पर रानी की बावड़ी, वाव, गुजरात पाटन है। 1000 ओल्ड है, 1000 करेंसी नहीं प्रिंट हुआ, सेंचुरी बंद हुआ, 100 पे लिया। 50 rupees हम्पी का नाटक प्लेस, 50 ईयर्स वलेटे डिली यूनेस्को। 20 rupees एलोरा केस, 20 ईयर्स वलेटे डिली यूनेस्को। 10 rupees कोणार्क का सन टेम्पल, 10 ईयर वलेटे डिली यूनेस्को। गवर्नमेंट हिस्ट्री प्रिंट करी अपनी नई जनरेशन के लिए, स्टार्टिंग सी गेट। यहाँ देखेंगे बिग एलिफेंट, बड़े बड़े जो हाथी हैं इनके दांतों के होल्स बने, देखो साइड। यहाँ ओरिजिनल हाथी दांत थे, ओरिजिनल, किसने निकाला, कब निकाला, कोई एविडेंस नहीं। इसका एविडेंस है ओरिजिनल हाथी दांत था। हाथी को चलाते उसको किस नाम से जानते, एलिफेंट को कंट्रोल करने वालों को? महाबत। यहाँ महाबत फीमेल है, लेडीज है सर। इस साइड में जेंट्स है। 2100 साल पहले लेडीज को जेंट्स के बराबर का समानता का अधिकार, आज कहते हैं लेडीज फर्स्ट, कौन सी नई बात है? 2100 साल पहले भी तो आज भी है, इसलिए बेटियां बड़ी प्यारी होती है। सेकेंड पैनल यहाँ देखो, नीचे बौद्धिक वृक्ष और टॉप पर बौद्धिक वृक्ष है। बौद्धिक ट्री मतलब बुद्ध है। बुद्ध जी का ओरिजिनल नेम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध क्यों, कैसे पड़ गया? फिर सिद्धार्थ के जन्म के 7 days के बाद मदर महामाया एक्सपायर हो चुका था, प्रॉब्लम खड़ा हो गया सर वहां पर। फादर शुद्धोधन को 7 days का बेबी है, बेटा है, इसका देखभाल प्लेस में सबसे अच्छा कौन कर सकता है? घर में दादी है, नानी है, मौसी है, बुआ है, कौन कर सकता है? मैम उस टाइम भी राजवी मौसी होती है माँ जैसी, जिनका नेम था प्रजापति गौतमी। गौतमी नेम को जोड़ दो गौतम, और जिसको बुद्धि प्राप्त होती है, नॉलेज होता है, उसको कहते हैं बुद्ध। हो गया ना गौतम बुद्ध, वही कल्चर रिटर्न हुआ दादाजी। आज बच्चों की मार्कशीट मदर का नाम ऐड कर दिया, अपने टाइम नहीं था, क्योंकि मुगल डायनेस्टी में दब चुका था। देखो वही कल्चर टर्न हुआ है। यहाँ देखेंगे चैरिट रथ बना है, उसमें मेन खड़ा है, मेन के सामने टी जैसा अम्ब्रेला छाता है। अम्ब्रेला मतलब बुद्ध है, ओरिजिनल सिद्धार्थ। जो मेन है रथ को चलाने वाला, इनका सारथी है छन्ना, जिसको छंदक कहा गया। सिद्धार्थ को केवल एक दिन महल से बाहर घूमने का मौका मिला। क्यों हुआ? क्योंकि जन्म से पहले भविष्यवाणी हुई थी या राजा बनेगा साधु, इसी डर से फादर शुद्धोधन प्लेस से कभी बाहर नहीं जाने देते। सारा ज्ञान महल में दिया, छोटी सी एज में शादी किया, मैरिज किया। 29 के बेटे का राहुल का जन्म हुआ, फिर महल से बाहर निकलने नहीं दिया। कहते हैं यहाँ लिखा होता है घटना तो होके रहेगी। 30 या 30 वर्ष की एज में ओनली 1 day टाउन विजिट का मौका मिला। सिद्धार्थ ने राज का भ्रमण किया, कई मैन को देखा, 4 men common 1 2 3 4 पहला देखो कमंडल को पकड़े साधु संन्यासी, सेकेंड हाथ में स्टिक लाठी रखे बूढ़ा ओल्ड मैन, थर्ड को देखेंगे सिर्फ बीमार व्यक्ति हो, लास्ट वाला हाफ बॉडी में डेड बॉडी है, मरा हुआ इंसान। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा ये क्या? सारथी कहता मनुष्य के जीवन में ऐसा ही तो परिवर्तन होता है। सिद्धार्थ ने पूछा सबके साथ क्या? बिल्कुल। सिद्धार्थ के दिमाग में कई विचारधाराएं आने लगती है, कोलियों के जेल बंटवारे के बाद मेल छोड़ देते हैं। यहाँ देखेंगे ट्री मीन बुद्ध, कपिल वस्तु नेपाल,
कपिल वस्तु बुद्धा उपदेश दे रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, सभी लोग हाथ जोड़कर उपदेशों को सुन रहे हैं, परंतु पीछे बैठी पब्लिक इसके कान में कुछ कह रहे हैं, ये आपस में बातें कर रहे हैं, ये कान लगा के बातों को सुन रहे हैं, ये बुद्धा का टीचिंग नहीं सुन रहे, डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, बैड वेंचर गोसिपिंग कानाफूसी, ये तो हमारे समाज में पहले भी था, आज भी है और रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। परंतु लोग हैं कौन, बिजनेस मैन है, बिजनेस की बातें कर रहे हैं। क्यों सर, आपके घर में कोई गेस्ट आता है अपने यहाँ, क्या करते हैं, सोफे पिलो लगाते बैठने के लिए, लगाए पिलो, ये देखो इसका वजन जी है, बेट देखो पूरा पिलो दबा है, ये उठा हुआ है, इसका बेट जी है देखो दबा हुआ है, ये उठा हुआ पोस्टन है, ये टन करके बातें सुना, गद्दी उठ गया, ऐसा मटेरियल हमारा पहले भी था आज भी है। यह आर्टिस्ट ने हमको क्या समझाने का कोशिश किया, अरे हमारे अतिथि का स्वागत सत्कार पहले भी हम इसी कल्चर में करते थे और आज भी इसी कल्चर में करते हैं, इसीलिए कहते अतिथि देवो भव। यहाँ ऊपर टॉप पर देखिए स्तूप बना है सर, स्तूप मतलब बुद्ध है, या विदेशियों को फॉरनर को बुद्ध का स्तूपा कर में प्रियर, ये फॉरनर कौन है, ग्रीक, ग्रीक को कैसे पहचानोगे, एक उनका हेयर स्टाइल देखो, बालों का डिजाइन घुंघराले बाल है, सेकंड के कपड़े देखो ड्रेस चेंज है ना, तीसरा इनके बाजार में बागियन चेक करो चेंज है ना सर, और ये लोग बूट भी तो पहने पैरों में, तो सांची में ग्रीक आर्किटेक्चर बहुत है, तो ग्रीक इंडिया में एंट्री कैसे किया, और एंट्री किया तो रिलेशन संबंध क्या है मौर्यन पीरियड से, अशोक के ग्रैंड फादर दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी पहली पत्नी कौन थी, फर्स्ट वाइफ हेलेना, हेलेना सेलुकस निकेटर की डॉटर बेटी है, सेलुकस निकेटर एलेक्जेंडर सिकंदर का आर्मी चीफ था, एलेक्जेंडर सिकंदर ग्रीक का, अशोक की ग्रैंड मदर हेलेना है, और दादाजी हेलेना नहीं होती ना, कलिंग वार नहीं होता, कलिंग युद्ध नहीं होता, क्यों, नियम था बिग बेटा युवराज बनेगा, हेलेना था बेटा जस्टिन हुआ था, युवराज जस्टिन को बनना चाहिए था, पर तो गुरु बेटे थे चाणक्य किया, और चाणक्य किया, चाणक्य किया था सेकंड वाइफ के बेटे बिंदुसार को युवराज घोषित किया था, वो जानता था विदेशी के हाथ में सत्ता चली जाएगी। सेकंड पैनल ट्री ट्री मीन बुद्ध, वैशाली, वैशाली कहाँ है, बिहार में, वैशाली बुद्ध का पहली बार आगमन होता है, एंट्री होता है, वहाँ की जो पब्लिक है लेडीज बुद्ध को गिफ्ट उपहार प्रेजेंट कर रही है, मंकी को देखो बंदर को, इंसान तो इंसान बंदर को देखो, एक बाउल में, बाउल मीन कटोरे में, हनी मतलब मधु शहद कलेक्ट कर लाया फॉरेस्ट से, बुद्ध को हनी ऑफर कर रहा है, मधु भेंट कर रहा है, बुद्ध जी मधु को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, सेकंड पे मंकी डांस करने लगता है, मंकी ने बुद्ध को वैशाली में हनी ऑफर किया, मधु भेंट किया, क्यों दिया मधु उसने, क्या स्वीट था, मीठा था इसलिए ना जी, वो जानता था मधु मक्की कई लोटस के कई फूलों के रस को जूस को कलेक्ट करती है, हर फूल में हर लोटस में जड़ी का जूस होता है, सारी जड़ी का जूस को कलेक्ट करो बनेगा हनी, उसका इस्तेमाल जो भी करे कितना स्वस्थ होगा जानता है, इसलिए बुद्धा को हनी ऑफर किया था। आप कभी टूरिस्ट पूछते हैं ये बताओ आपको हनी कहाँ दिख रहा है इसमें, और आपने हमको हनी बता दिया। आर्टिस्ट बहुत एडवांस था, देखो सर कार्नर के ट्री में मधुमक्खी छत्ते दिखा दिए कि ये हनी ही है, मधु ही है, या दो सिंबल एक साथ है, ट्री मीन बुद्ध, प्लेटफॉर्म मीन बुद्ध, बुद्ध जी रिटर्न होते हैं, कपिल वस्तु फादर शुद्धोधन मौसीमा प्रजापति गौतमी से मिलने, शुद्धोधन अपने बेटे को बेटा नहीं बुद्ध मान कर नमस्कार कर रहे हैं, इसको राजा कैसे कहे, क्योंकि दासी अमरेला छत्र लगाए, रोल फैमिली पर अमरेला, सेकंड दासी हाथ में चावल रखे यार के लिए, हवा के लिए, या अप्सराओं को गंधर्व को भी बुद्ध का आकाश से स्वागत वेलकम, ये गेट कीपर द्वारपाल, गेट का नाम होता है तोरना, तोरण मतलब स्वागत दरवाजे, और वेलकम गेट, वेलकम गेट पे गेस्ट को वेलकम फूलों से लोटस से, हर गेट के टॉप पर लोटस, तो ये कल्चर हमारे देश में आज भी है, कोई फंक्शन करते हैं मेन गेट ही तो बनाते हैं। लैंग्वेज है पाली लिपि है ब्राह्मी, लिखने का जो मनी डोनेटर नेम पैसा दान देने वालों का किस टाइम, सेकेंड बी सी 2200 साल पहले, जिन्होंने रेलिंग को बनाने को यहाँ मनी डोनेट किया, पैसा दान दिया, ये विदिशा के बिग बिजनेसमैन है, कैसे टेली करें इसको, सारी लैंग्वेज हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं सर, उर्दू राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, पर तो पाली लिखा जाता है लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट टू राइट, जिग बिल्कुल जिग और यूं जिग जैग चलेगी पाली। अब ये क्या लिखा है थोड़ा पढ़ लेते हैं सर, तीन शब्द को मिला दो पाली का, हिंदी का बनेगा गा, और फोर बर्ड्स को मिलाएंगे ने और थ्री को मिलाएंगे सम, नेम होता है गणेशम, किसी का नाम गणेशम रहा होगा, दो शब्द हम आपको टेली करना सिखा देते हैं, हिंदी का दा तो ऐसे बनता है, उल्टा कर दो पाली का दा बनेगा, इंग्लिश का टी उल्टा करो, ये ना होगा ये माँ होगा, दा नम गणेश के द्वारा दान दिया, दो शब्द अपन को हर जगह हर पैनल में कॉमन मिलेगा, नेम सारे चेंज मिलेंगे, वो देखिए उस पर लिखा है बज्जू दानम, किसी का नाम बज्जू रहा होगा। अब रेलिंग का डिजाइन पहचानो सर, रेलिंग का डिजाइन पहचानो,
बाम्बू होता बाम्बू बांस अपना, उसके टू पार्ट्स कर दो बीच में से, वही डिजाइन है ना। क्योंकि 2200 साल पहले 2300 साल पहले बाम्बू का ही था रेलिंग, डैमेज होगा उसको साइंटिस्टों का तैयार किया। मूर्ति पूजा स्टार्ट हुआ, स्टेचू बनना स्टार्ट हुआ 180 कनिष्का 2000 साल से। मूर्ति पूजा स्टार्ट हुआ हमारे 180 कनिष्का 2000 साल से, पर गोल्डन पीरियड इंडिया का स्वर्ण कहा जाता है गुप्ता एम्पायर को, और गुप्त काल स्टार्ट हुआ 480 में, एंड हुआ 680, 200 वर्ष। कई राजा थे इसके अंदर, राम गुप्त, स्कम गुप्त, भानु गुप्त, समुद्र गुप्त, कुमार गुप्त, विक्रम सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। ये स्टेचू 580 की है, 1500 साल प्राचीन, 1500 ओल्ड। जब स्टेचू बनना स्टार्ट हुआ टू आर्किटेक्चर आ गए, दो कला शैली, गांधार आर्ट स्कूल एंड मथुरा आर्ट स्कूल। गांधार कहाँ चला गया? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो भी स्टेचू बनाए जाते, जो भी मूर्तियाँ बनाई जाती, उसमें वहाँ का आर्ट्स, वहाँ का कल्चर बोलते घुंघराले बाल होते हैं। मथुरा मीन्स आगरा के आगे, या जो भी स्टेचू बनते हैं हमारे इंडियन कल्चर, भारतीय परंपरा, बुद्ध के हेयर्स बाल नहीं होते। नॉर्दर्न गेट एंड साउथ गेट मथुरा स्टाइल, ईस्टर्न गेट वेस्टर्न गांधारा स्टाइल। डैमेज किसने किया? किसी का नेम नहीं लेंगे, मुगल का नाम भी यहाँ नहीं लेंगे। क्यों? मुगल पीरियड में 500 साल जंगल में था ये, तो औरंगजेब तो आई नहीं। सेकंड कारण, अपने ही बौद्ध धर्म के अंदर मूर्ति पूजा करने में झगड़ा, या एक धर्म ने दूसरे धर्म नुकसान पहुंचाया हो, या लोकल प्रॉब्लम टोड़ा हो, परंतु गौर से देखो इसको टोड़ा नहीं गया, हेड को बहुत सफाई से कटिंग किया, काटा गया है। या तो ले गए ब्रिटिशर अंग्रेज, या पैसा अच्छा मिलता लोकल पब्लिक मार्केट कुछ किया हो। क्योंकि विक्टोरिया म्यूजियम लंदन में सांची के काफ़ी पीस रखे हैं, इसका एविडेंस है हमारे पास। अभी चल रहा ईस्टर्न गेट, उसका हेड मिल गया, जोंड कर दिया आर्कोलॉजिकल ने, काटे गए तोड़े नहीं गए थे। हेयर स्टाइल देखो घुंघराले बाल, देखिए इसका हेड कटिंग किया, मिला जोंड किया ना, अनुमान सही है ना, काटे गए तोड़े नहीं गए। मान लो इसका हेड नहीं होता स्टेचू में, मूर्ति में, फिर आप कैसे पहचानते गांधार की स्टेचू है? फिर कैसे पहचानते? अभी ध्यान मुद्रा में बैठी है ना, अरे हेड ही नहीं होता इसमें। अच्छा। तो सर गांधार में बुद्ध के चेस्ट पर ये लाइनिंग अपन को ऐसे मिलेगी, और मथुरा स्टाइल में लाइनिंग स्ट्रेट होगी। तो गांधार में चीवर को, वस्त्र को ऐसे ओढ़ा जाता है, और अपने यहाँ सीधा स्ट्रेट। चलो समझाने के लिए इजी बना देते हैं। मैम आप सूट पर जब चुंदरी को डालते हो वो गांधार स्टाइल है, अफगानिस्तान स्टाइल है। आप साड़ी बांधते हो वो हमारा मथुरा आर्ट से भारतीय संस्कृति है। अब तो पहचान लो गांधार मथुरा। चलते ईस्टर्न गेट पर सर, लेडीज महल में लेटा हुआ है, लेडीज़ का हेड अपनी साइड है, लेडीज के पैरों के ऊपर देखो एक एलिफेंट खड़ा है, एलिफेंट का पैरों का डायरेक्शन देखो, ऐसा लग रहा हवा में एयर में उड़ता हुआ आ रहा है। ये कार्नर पर घोड़े महल से बाहर आते हुए, ये बुद्ध जी की माता श्री हैं, मदर महामाया, महल में सो रही थी नाइट में, रात्रि में इनको सपना हुआ ड्रीम, आकाश से वाइट एलिफेंट एंड हॉर्स घोड़ा इनके गर्भ के अंदर प्रवेश किया। मॉर्निंग में अपने हस्बैंड शुद्धोधन के कान में बता रहे हैं। शुद्धोधन ने क्या किया, सपने को जब प्लेस में सुनाया तब उनके राजगुरु ने काफी विचार विमर्श के बाद एक भविष्यवाणी की थी, किसी महान व्यक्ति का जन्म होना है, या तो किंग बनेगा या साधु। किस बेच पे? वाइट एलिफेंट होता है चक्रवर्ती सम्राट के लिए, और घोड़ा होता है त्याग के लिए। उसी सपने की लेडीजों को बाल करनी बात है, लेडीज का आदमी कुछ कहती है सेकंड एक्शन, सर ऐसा नेचर तो मैम पहले भी था आज भी चलता रहेगा, काना फूसी का इसको भी चेंज नहीं कर सकते। उसी सपने की खुशी फेस्टिवल की उत्सव की तैयारी करते हुए प्रेजेंट दिखाया। तो अभी हमने देखा सिद्धार्थ ने फोर मेन रूट पर जाते देखे थे, माइंड चेंज हुआ और कोहली होकर जलबटवार महल छोड़ दिया था, ये भविष्यवाणी जम से पहले हो चुका था। अब आइए सर यहाँ देखो, महल बनाए, प्लेस बनाए कॉर्नर पे, महल से बाहर जाते घोड़े देखो हॉर्स, 1 2 3 4 एक वापस आ रहा है, वापस वाले को छोड़ दो बाद में देखेंगे अपन। ऊपर के चारों घोड़े पे देखो अम्ब्रेला है, छाता है, देखा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब बुद्ध है, ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ है, घोड़ा एक ही है, घोड़ा एक ही है। स्टेप बाय जाते दिखा रहे, वही वापस आ रहा है कि महल से बाहर निकला, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा। सिद्धार्थ फॉरेस्ट जा रहे थे तपस्या के लिए, उन्होंने देखा दी मैं घोड़े पर बैठकर चलता हूँ तो घोड़े का पैरों का आवाज, उसको क्या बोलते हैं, टाप का साउंड यदि प्लेस में आती है तो मेरी वाइफ असोधरा सन राहुल जाग जाएगा। तो उनके सर्वेंट साथ में चल रहे, तो उन लोगों ने क्या किया देखो सर, उसी पैनल पर देखो मिडिल में ट्री है, है बोधिक ट्री, ट्री के दोनों साइड देखो लेफ्ट और राइट, उनके सर्वेंट लोग घोड़े को हैंड पर हाथ पर उठाकर ले जा रहे हैं, दिखा। और जो घोड़ा रिटर्न आ रहा है इस पर अम्ब्रेला नहीं है, सिद्धार्थ घोड़े से उतर गए और रिटर्न घोड़े के ऊपर देखो फुट पिन छपे,
और फुटप्रिंस को नमस्कार कर रहा उनका परम सेवक छन्ना। और यहाँ से सिद्धार्थ अनोमा नदी को क्रॉस करके फॉरेस्ट चले जाते, घोड़ा वापस हो जाता है प्लेस के लिए। नीचे वाला पैनल बोधि ट्री, बोधि ट्री के आगे देखो एलिफेंट हाथी है ना, उसके पीछे देखो अशोक उनकी पत्नी देवी पुत्र महेंद्र अशोक की धर्म यात्रा दिखा रहे बोध गया कि कलिंग वार के बाद, कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। भगवान बुद्ध के टाइम पर 500 BC 2500 साल पहले मगध का राजा कौन था, मगध का किंग बुद्ध के टाइम, बिंबिसारा, कन्फ्यूज मत होना सर, बिंबिसार और बिंदुसार में, बिंदुसार अशोक के फादर 2300 साल पहले, बिंबिसार 2500 साल पहले, और बिंबिसार का बेटा हुआ था अजातशत्रु। और बिंबिसार ने काउंसिल बुलाई थी बौद्ध धर्म पर, बेटा नाराज हो गया, पिता को जेल में डाल दिया और मर्डर किया और राजगद्दी बैठ गया था। उस टाइम वैशाली, वैशाली बिहार में वैशाली की नगर बधू थी अम्रपाली, बिग डांसर अजातशत्रु ने कहा था अम्रपाली को बुद्ध की समाधि को डिस्टर्ब कर दो, कहीं प्रयास किया बुद्ध की समाधि डिस्टर्ब नहीं कर पाई, बुद्ध के टीचिंग से उसका माइंड चेंज हो गया और बुद्ध की फर्स्ट लेडीज शिष्य बनी थी अम्रपाली, और ऐसे लेडीज का एंट्री बौद्ध धर्म में स्टार्ट हो चुका था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।